मैनचेस्टर में खेला जाने वाला पांचवा टेस्ट मैच हुआ रद्द। कोरोना संकट की वजह से बोर्ड ने लिया यह फैसला। भारत इंग्लैंड के बीच पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच रद्द। मणिका बत्रा के आरोपों पर भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने बुलाई मीटिंग। मणिका ने लगाए हैं मैच फिक्सिंग के आरोप। शनिवार को होगी मीटिंग। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन में खेलों पर घेराए संकट। ऑस्ट्रेलिया ने कहा तालिबानी पाबंदी रही तो टेस्ट मैच होगे रद्द। अफगान पुरुष क्रिकेट टीम का 27 नवंबर से है मैच। फुटबॉल में 37 मैच जीतकर इटली ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूरो कप में लिथुआनिया को हराया 5-0 से। और हॉकी की नर्सरी भोपाल में 5 साल बाद होगा ओबेदुल्ला गोल्ड कप। ऐशबाग स्टेडियम पर नई टर्फ बिछाने की तैयारी। इस बार विजेता टीम को मिलेंगे 51 लाख रुपए। भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। सीरीज में कोरोना संक्रमण के मामले और न बढ़ जाएं, इस वजह से बोर्ड ने यह फैसला लिया है। चौथे टेस्ट मैच तक टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे चल रही थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी पांचवें टेस्ट मैच को रद्द किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि बीसीसीआई के साथ चल रही बातचीत के बाद ईसीबी पुष्टि करता है कि एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में आज से शुरू होने वाले इंग्लैंड और भारत के पुरुषों के बीच पांचवें टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 मामलों की संख्या में और वृद्धि की आशंका की वजह से भारत अपनी टीम को मैदान में उतारने में असमर्थ है। ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल आने के बाद देश में हॉकी को लेकर वैसा ही उत्साह बनने लगा है जैसा हॉकी के गोल्डन दौर में था। ऐसे में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल भी पीछे कैसे रहता। भोपाल में अगले 3 महीने में हॉकी के बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। अक्टूबर में यहां गर्ल्स बॉय जूनियर हॉकी नेशनल तो दिसंबर में देश का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ओबेदुल्ला गोल्ड कप आयोजित होगा। ओबेदुल्ला गोल्ड कप को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। यह पिछली बार सितंबर 2016 में खेला गया था, इसके बाद यह आयोजित नहीं हो सका। अब इस टूर्नामेंट के लिए ऐशबाग स्टेडियम पर नई टर्फ बिछने जा रही है। आपको बता दें इस टूर्नामेंट में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद समेत देश के लगभग वो सभी खिलाड़ी खेले हैं जिन्होंने देश के लिए हॉकी खेली है। इस टूर्नामेंट का ही नतीजा है कि भोपाल से 8 ओलंपियन समेत दर्जनों इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने मणिका बत्रा द्वारा लगाए गए फिक्सिंग के आरोपों पर चर्चा के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है। शनिवार को होने वाली मीटिंग में नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों पर चर्चा होगी। फेडरेशन के शो कॉज नोटिस के जवाब में मणिका ने आरोप लगाया था कि नेशनल कोच ने उन्हें ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान मैच हारने को कहा था। भारतीय क्रिकेट टीम दिसंबर में 3 टेस्ट 3 वनडे और 4 T20 मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाएगी। 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग टेस्ट के साथ दौरे की शुरुआत होगी। अगले साल 11, 14 और 16 जनवरी को वनडे मुकाबले होंगे। 41 दिन के दौरे पर दोनों टीमों में 19 से 26 जनवरी के बीच T20 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अभी तक दक्षिण अफ्रीका के घर में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। यूरो चैंपियन इटली ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इटली की फुटबॉल टीम ने 37 मैच से हार का स्वाद नहीं चखा है। यह किसी नेशनल टीम का अजेय होने का रिकॉर्ड है। उसने 28 मैच जीते हैं और 9 ड्रॉ खेले हैं। टीम को आखिरी हार 10 सितंबर 2018 को मिली थी जब टीम नेशंस लीग में पुर्तगाल से हार गई थी। इटली ने फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में लिथुआनिया को 5-0 से भी हरा दिया है। भोपाल के पिपलिया पेंडेखा के रहने वाले अयान खान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्हें ओमान की टीम से चुना गया है। अयान आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे क्रिकेटर होंगे। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में 11 सितंबर से मध्य प्रदेश की टेबल टेनिस, कबड्डी, टेनिस और वॉलीबॉल टीम के ट्रायल होंगे। टेबल टेनिस और टेनिस की टीमें 24 से 29 सितंबर के बीच दिल्ली के त्यागराजन स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा टेबल टेनिस और टेनिस में हिस्सा लेंगी, जबकि कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 18 से 20 सितंबर के बीच भिवानी हरियाणा में होगी। वहीं 20 से 24 के बीच वॉलीबॉल का नेशनल टूर्नामेंट कुरुक्षेत्र में खेला जाएगा।
अफगानिस्तान में महिलाओं के खेल पर संकट मंडरा रहा है। इसकी वजह से पुरुषों के खेल पर भी प्रतिकूल परिणाम दिखने लगे हैं। मसलन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से गुरुवार को जारी की गई चेतावनी, इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लगाई तो वह अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच रद्द कर देगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला टेस्ट मैच 27 नवंबर से शुरू करने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही अफगानिस्तान में निजाम बदल गया है। स्पोर्ट की ताजातरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फर्स्ट को। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज।